राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको BSTC यानी DLET एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, किस विषय के कितने क्वेश्चन एवं मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स लाने पर पसंदीदा कॉलेज मिलता है। इन्हीं सब सवालों के साथ साथ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी, जो आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिलाने में आपकी सहायता करेगा। विद्यार्थियों, यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से की जाए तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। विद्यार्थियों, BSTC यानी DLET पेपर की अगर हम बात करें तो BST एग्ज़ाम में कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर कुल 600 अंकों का होता है। BSTC एग्ज़ाम में प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है। ये पेपर कुल 4 खंडों में बटा होता है। यदि हम प्रत्येक पेपर की बात करें तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि प्रथम खंड में मानसिक योग्यता के प्रश्न जो है वो 50 पूछे जाते हैं और उसके जो मार्क्स होते हैं वो 150 समथिंग होते हैं। इसके बाद दूसरे खंड में राजस्थान की सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों को राजस्थान राज्य के सामान्य ज्ञान की तैयारी के साथ साथ भौगोलिक पहलू, लोक जीवन, सामाजिक पहलुओं, कला संस्कृति, पर्यटन आदि के बारे में भी अध्ययन कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों, राजस्थान GK के जो प्रश्न मैंने आपको जो बताए हैं उसके भी जो मार्क्स होते हैं वो 150 ही होते हैं। तीसरे खंड में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, इसके भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके जो अंक होते हैं वो 150 अंक होते हैं। विद्यार्थियों, इसका जो चौथा खंड होता है वह अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में बटा हुआ होता है। अंग्रेजी भाषा के प्रश्न सभी को हल करना अनिवार्य होता है। अंग्रेजी भाषा के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके मार्क्स जो होते हैं विद्यार्थियों 60 होते हैं। विद्यार्थियों, BSTC सामान्य भाषा से करने वाले अभ्यर्थी हिंदी भाषा के प्रश्नों को हल करते हैं और BSTC संस्कृत से करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के प्रश्नों को हल करते हैं। हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके मार्क्स 90 होते हैं, वहीं संस्कृत के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके मार्क्स 90 होते हैं। विद्यार्थियों, BSTC एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए विद्यार्थियों आपको सभी प्रश्नों को हल करना चाहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। विद्यार्थियों, BSTC एग्ज़ाम प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। विद्यार्थियों, आप जैसा कि BSTC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आपको सफलता मिले, इसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर पूरा विश्लेषण करें और देखें व समझें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि 2 से 3 बार कम से कम आप रिवीजन जरूर करें जो आपने पढ़ा है। विद्यार्थियों, साथ ही पढ़ते समय अपनी अंक तालिका बनाएं, मतलब आप अपने आप को स्वयं रेटिंग दें। इस आधार पर आप जान पाएंगे कि आपने कौन से पेपर की कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। विद्यार्थियों, जरूरत से ज़्यादा भी पढ़ाई ना करें, हमेशा सेलेक्टिव पढ़ाई करें, मन को एकाग्र रखें और शांत वातावरण में बैठें। विद्यार्थियों, पढ़ाई के दौरान लंबा ब्रेक ना लें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं। विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। विद्यार्थियों, यदि आप BSTC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।